नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे एयर इंडिया के इतिहास के बारे में। एयर इंडिया का इतिहास, कैसे टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये टाटा सन्स के एक विशेष परियोजन वाहन SPV टेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के एयर इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और 102 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के सेवा करने वाले एयरबेस और बोइंग विमानों का एक बेड़ा संचालित करता है। एयरलाइन का भारत भर के कई फोकस शहरों के साथ साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में अपना केंद्र है। 18.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया भारत से बाहर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। एयर इंडिया द्वारा 4 महाद्वीपों में 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की सेवा की जाती है। एयरलाइन 11 जुलाई 2014 को स्टार एयरलाइंस की 27वीं सदस्य बनी। एयरलाइन की स्थापना JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी। टाटा ने खुद कराची के डिग्र रोड हवाई अड्डे से बॉम्बे के जुहू हवाई अड्डे तक और बाद में मद्रास यानी के वर्तमान में चेन्नई के लिए हवाई डाक लेकर अपना पहला एकल इंजन डी हेविडेंड पुसमोथ उड़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 29 फरवरी 1960 को इसने गौरी शंकर नामक अपने पहले बोइंग 707 की डिलीवरी ली और अपने बेड़े में जेट विमान शामिल करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बन गई। साल 2000 से लेकर 2001 में एयर इंडिया के निजीकरण के प्रयास किए गए और साल 2006 के बाद से इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद इसे नुकसान उठाना पड़ा। साल 2017 में एक और निजीकरण का प्रयास शुरू किया गया था, जिसका समापन एयरलाइन के स्वामित्व और 2021 में टाटा को वापस करने से जुड़ी संपत्तियों के साथ जुड़ा। प्रारंभिक वर्ष 1932 से 1945। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा एयर सर्विसेज के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया, जिसकी स्थापना एक भारतीय एविएटर और बिजनेस ट्राइकून टाटा सन्स के JRD टाटा ने की थी। अप्रैल 1932 में टाटा ने इंपेरियल एवरेज के लिए मेल ले जाने का एक अनुबंध जीता और टाटा सन्स के विमानन विभाग का गठन दो सिंगल इंजन डे हेविडेंड पुसमोथ्स के साथ किया गया। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए हवाई डाक ले जाने वाला एक पुसमोथ उड़ाया और विमान मद्रास वर्तमान में चेन्नई के लिए जारी रहा, जो कि रॉयल एयर फोर्स के लिए पूर्व पायलट और टाटा के मित्र नेविल विसेंट द्वारा संचालित था। एयरलाइन के बेड़े में एक पुसमोथ विमान और एक डे हेविडेंड लेपर्ड मोथ शामिल था। प्रारंभिक सेवा में अहमदाबाद और बॉम्बे के माध्यम से कराची और मद्रास के बीच साप्ताहिक एयर मेल सेवा शामिल थी। अपने संचालन के पहले वर्ष में एयरलाइन ने 26 लाख मील की उड़ान भरी और जिसमें से 155 यात्री और 9.72 टन यानी के 10.71 टन मेल थे और 60,000 US यानी के $800 का लाभ कमाया। एयरलाइन ने 6 सीटों वाले माइल्स मर्लिन के साथ बॉम्बे से त्रिवेंद्रम के लिए अपनी पहली घरेलू उड़ान शुरू की। 1938 में इसे टाटा एयर सर्विसेज और बाद में टाटा एयरलाइंस के रूप में फिर से नाम दिया गया। सिलोन, जो कि अब श्रीलंका में, कोलंबो और दिल्ली को 1938 में गंतव्यों से जोड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरलाइन ने रॉयल एयरफोर्स को सेना की आवाजाही, आपूर्ति की शिपिंग, शरणार्थियों के बचाव और विमान के रखरखाव में मदद की थी। शुंभकर। एयर इंडिया का शुंभकर महाराजा उच्च राजा है। इसे एयर इंडिया के तत्कालीन वाणिज्यक निदेशक बॉबी कूका और 1946 में जे वाटलर थॉमसन लिमिटेड के एक कलाकार उमेश राव द्वारा बनाया गया है। कूका ने कहा कि बेहतर विवरण के अभाव में हम उसे महाराजा कहते हैं, लेकिन उसका खून नीला नहीं है। वो शाही लग सकता है, लेकिन वो शाही नहीं है। एयर इंडिया ने 1946 में महाराजा को अपना शुभंकर के रूप में अपनाया। इसका प्रचार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि शुरुआत में इसे केवल एयरलाइन के मेमो पैड के लिए डिजाइन किया गया था। महाराजा को 2015 में एक मेकओवर दिया गया था। ब्रांड को एक युवा संस्करण द्वारा दर्शाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 से सन 2000।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में नियमित वाणिज्यिक सेवा बहाल कर दी गई और टाटा एयरलाइंस 29 जुलाई 1946 को एयर इंडिया के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारत सरकार द्वारा 49% एयरलाइन का अधिकरण कर लिया गया था। 8 जून 1948 को मालाबार प्रिंसेस यानी के पंजीकरण VTCQP नामक एक लॉकहेड नक्षत्र L749A ने बॉम्बे से लंदन हिड़तों के लिए उड़ान भरी, जो एयरलाइन की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। राष्ट्रीयकरण 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया और टाटा सन्स से कैरियर में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। हालांकि इसके संस्थापक जेआरडी टाटा ने 1977 तक अध्यक्ष के रूप में बने रहे। कंपनी का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया गया और घरेलू सेवाओं को पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इंडियन एयरलाइंस को हस्तांतरित कर दिया गया। 1948 से 1950 तक एयरलाइन ने केनिया में नैरोबी और प्रमुख यूरोपीय गंतव्यों रोम, पेरिस और डेसलडोर्फ के लिए सेवाएं शुरू की। एयरलाइन ने अपने पहले लॉकहेड नक्षत्र L1049 की डिलीवरी ली और बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर के लिए सेवाओं का उद्घाटन किया। उदारीकरण के बाद 2000 से लेकर 2001 में एयर इंडिया के पुनः निजीकरण के प्रयास किए गए। 2000 में एयर इंडिया ने शंघाई चीन के लिए सेवाएं शुरू की। 23 मई 2001 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तत्कालीन प्रबंधक निर्देशक माइकल मस्क्राइन हास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मस्क्राइन ने हास द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कमीशन के कारण एयरलाइन को लगभग 570 रुपए मिलियन यानी कि $7.6 मिलियन का नुकसान हुआ और बाद में उसे एयरलाइन से निलंबित भी कर दिया गया। मई 2004 में एयर इंडिया ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के शहरों को जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कंपनी शुरू की। 2007 तक एयर इंडिया मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित होती थी, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट हॉल मार्गों पर संचालित होती थी। इंडियन एयरलाइंस विलय 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया लिमिटेड के तहत विलय कर दिया गया और एयरलाइन ने अपने पहले बोइंग 777 विमान की डिलीवरी ले ली। एयरलाइन को 2007 में स्टार एयरलाइंस का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। साल 2006 से 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए संयुक्त घाटा $7.7 बिलियन $100 मिलियन था और विलय के बाद मार्च 2009 तक ये बढ़कर $72 बिलियन यानी कि $960 मिलियन हो गया। जुलाई 2009 में भारतीय स्टेट बैंक को एयरलाइन की वसूली के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। मार्च 2009 में वाहक ने 3 एयरबेस A300 और एक बोइंग 747-300 मिलियन को ऋण के वित्त पोषण के लिए $18.75 मिलियन में बेचा। २०१३ में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि निजीकरण एयरलाइन के अस्तित्व की कुंजी है। हालांकि भाजपा और माकपा के नेतृत्व में विपक्ष से सरकार की खिंचाई की। 2013 में भारत सरकार ने $300 बिलियन यानी कि $4.0 बिलियन के इक्विटी निवेश में देरी करने की योजना बनाई थी, जिसे 8 वर्षों की अवधि में धीरे धीरे एयरलाइन में डाला जाना था। जनवरी 2013 में एयर इंडिया ने नए अधिग्रहित बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स को बेचकर और पट्टे पर देकर जुटाए गए धन के माध्यम से अपने लंबित बकाया को एक हिस्सा चुकाया। मार्च 2013 में एयरलाइन ने लगभग 6 वर्षों के बाद अपना पहला सकारात्मक EBITDA पोस्ट किया और पिछले वित्तीय वर्ष से अपना परिचालन राजस्व में 20% की वृद्धि दर्ज की। एयर इंडिया लिमिटेड ने 2013 में अपने इंजीनियरिंग और कार्गो व्यवसाय को 2 अलग-अलग सहायक कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी के AIESL
और एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AITSL में विभाजित किया। दिसंबर 2013 में एयरलाइन ने अनुभवी पायलट SPS पुरी को संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। एयर इंडिया पायलट यूनियन द्वारा नियुक्ति की आलोचना की गई क्योंकि पुरी ने कथित तौर पर अपने नाम के साथ कई उल्लंघन किए। स्टार अलायंस सदस्यता। एयर इंडिया 11 जुलाई 2014 को स्टार एयरलाइंस का 27वां सदस्य बना। अगस्त 2015 में इसने कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार में $600 मिलियन जुटाने के लिए सिटी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। एयर इंडिया भारत में तीसरा सबसे बड़ा वाहक है इंडिगो और जेट एयरवेज के बाद 13% की बाजार हिस्सेदारी के साथ। पुनः निजीकरण। 28 जून 2017 को भारत सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण को मंजूरी दी। प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मार्च 2018 में सरकार ने कम लागत वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ साथ एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ ग्राउंड हैंडलिंग संयुक्त उद्यम AIESTATRS की 50% हिस्सेदारी सेवाएं EOIE के अनुसार नए मालिक को 33.392 करोड़ यानी कि $ में ये हुए 4.4 बिलियन का कर्ज लेना होगा और मई के मध्य तक एक बोली जमा करनी होगी क्योंकि सरकार 2018 के अंत तक बिक्री प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी। लेकिन किसी भी निजी फर्म ने कर्ज में डूबी एयरलाइन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एयरलाइन को बेचने में पिछले मौके पर विफल होने के बाद सरकार ने एयरलाइन का 100% हिस्सा बेचने का फैसला किया और 2019 के अंत में इसकी तैयारी शुरू कर दी। 27 जनवरी 2020 को सरकार ने बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की। इस बार सरकार एयर इंडिया और इसके बजट वाहक एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के 100% शेयरों के साथ साथ AISATS के 50% शेयरों को बेचने का फैसला लिया और इस बार अधिक बोली लगाने वाले को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पहले ही लगभग 30,000 करोड़ यानी कि $ में 4.0 बिलियन का कर्ज कम कर दिया और एक विशेष प्रयोजन वाहन में देनदारी। एयर इंडिया की घर वापसी। कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाकर टाटा सन्स ने इसका मलिकाना हक फिर से हासिल कर लिया। नीलामी प्रक्रिया के दौरान टाटा सन्स की इकाई टेलेसा प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ज्यादा 1800 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह सौदा अपने नाम कर लिया। ये सौदा इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस एयरलाइन की शुरुआत JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के तौर पर की थी। आजादी के बाद उड़ियन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। 68 साल बाद एयरलाइन एक बार फिर टाटा सन्स के हाथ में आने की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।